नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे पांचवी प्रश्नावली की, जिसमें अपन पढ़ रहे थे 5.3। इसका अपन पहला भाग कर चुके थे, आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर बेसिक के साथ क्वेश्चन समझाए गए हैं, ताकि आपको आगे वाली प्रश्नावली है, जो आगे वाले सवाल है, वो आसानी से समझ में आ जाए। तो अब आगे के बात करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अगर ये 5.3 अच्छी तरह समझनी है तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इसी वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप 5.3 प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो देखते हैं इसका अगला सवाल है, जो अपने पहले पिछली क्लास में 3 सवाल कर चुके थे, आज हम इसका करते हैं चौथा सवाल। तो देखिए चौथा सवाल क्या दिया हुआ है। देखो आपको दिया है, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद आपको दिया गया है। यानी चौथे का पहला सवाल है जिसका एनवा पद ये दे रखा है, आपको क्या करना है, इसके 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो ये क्या है, एन का मान है, यानी आप यहां पर मान रख के एन का और पद निकाल सकते हैं। तो देखो मैं यहां क्या रखता हूं, एन बराबर एक रखने पर, एन बराबर एक रखते हैं तो एन की जगह एक, 3 + 4 एन की जगह एक, तो देखो कितना हो जाएगा, 4 को 1 से गुणा किया, 4 में 3 जोड़ा तो 7। अब n बराबर 2 रख देते हैं तो 2 रख दिया, ये हो गया 3, 4 × 2। देखो n की जगह 2, n की जगह 1, n की जगह 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। ठीक है, दो पद आ गए, फिर अपन सारा मान निकाल सकते हैं। देखो यहां पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना है 7, ठीक है, और सार्वांतर निकाल लो, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 4, ठीक है, और n बराबर यहां पर कितना है आपको दे रखा है पहले सवाल के अंदर, n बराबर 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n बराबर है 25। अब अपन योगफल का सूत्र लगा देते हैं, Sn बराबर n बटे 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहां पर मान रखते हैं 25/2 इंटू ए का मान है 7 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4। अब इसको हल कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 25/2 ये कटना नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दो, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 14 प्लस 25 में से 1 गया तो 24, 24 को 4 से गुणा करो, ये है 24 और 24 को गुणा करेंगे 4 से, तो यह देगा 25/2, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 2400 कितना होता है 96, तो यह देगा 25/2 इंटू, इसमें इसको जोड़ दो तो कितना देगा 110। देखो 96 में 4 जोड़ा तो 100, 100 में 10 जोड़ा तो 110। अब ये इससे कट रहा है, देखो 55, अब 55 को गुणा कर लेते हैं 25 से, 55 को गुणा कर लेते हैं 25 से, तो यह देगा 5/7 इंटू 0 तो यह देगा 5/7 × 3 = 1 1375, यानी एस 25 पदों का योगफल कितना आ गया 1375। तो देखो इस तरीके से आप सवाल करेंगे, आपको जब कहा हुआ है, देखो आपको क्या कहा हुआ है, एनवा पद, यानी एनवे पद में आप एन का मान रखेंगे 1, 2, 3 और पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आप चाहे तो 3, 4 पद निकाल सकते हैं, लेकिन अपने 2 पदों से ही पूरी कर सकते हैं। तो अपन इसको 2 पद निकाल के और इसका सारा कर लिया, देखो आपको प्रथम पद ये निकाल लिया और डी निकाल लेते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, ठीक है, एन बराबर आपको दिया है, ऐसे नहीं योगफल का सूत्र लगे और आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फिर से इसके चौथे का दूसरा सवाल देखते हैं, वो आपको उसी तरीके से ही करना है। देखो पहले क्या करेंगे, इसके अंदर n का मान रखेंगे तो n बराबर 1 रखने पर, देखो सवाल वही है तो उसी तरह करेंगे, यानी a1 बराबर 7 − 3 × 1, तो 3 को 1 से गुणा किया, 3 में 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर 7 − 3 × 2, 2 रखा, 3 को 2 से गुणा किया 6, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 7 में से 6 घटाया तो 1। अब अपन निकालेंगे उसी तरह, प्रथम पद a बराबर कितना है 4, दूसरा लिखेंगे उसके बाद सार्वांतर d बराबर दूसरे पद में से पहला, दूसरा पद 4 है पहला पद है तो इसमें से घटेगा तो -3 आएगा, ध्यान रखना अच्छे से। n बराबर अपने पास वही 25 है,
सूत्र लगा देते हैं एसएन का, एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो मान रख देते हैं, यहां से मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पर एन बटे दो मतलब 25 बटे दो, दो इंटू ए का मान कितना है 4, एन माइनस वन यानी 25 माइनस एक, और डी का मान है माइनस 3। इसको ऐसे करने तो 25 बटे दो, इसको हल करते हैं, दो को 4 से गुणा किया 8 प्लस 25 में से एक गया तो 24 इंटू माइनस का 3, ठीक है ये सब माइनस का 3 याद आएगा, 25 बटे दो 8, ये देखो प्लस और ये माइनस को गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा माइनस का 24 दिए होते हैं 72, 24 तो आया 72, तो यह आ जाएगा 25 बटे 2 इंटू माइनस का, देखो 8 में से 72 जाएगा नहीं, 72 में से 8 घटाना पड़ेगा तो कितना जाएगा 64, कितना जाएगा 64, 64 और 8 कितना होता है 72, तो ये अब इससे घटेगा तो कितना जाएगा माइनस का 32, अब 25 को 32 से गुणा कर लेते हैं तो ये कितना जाएगा, देखो 25 को गुणा करते हैं 32 से, ये देखो आएगा माइनस का 800, ये कितना पद है 2500 पद, तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। देखो सवाल उसी तरीके से चलेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, इस तरह के सवाल आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बड़े मान रख के पहले समांतर श्रेणी बनानी पड़ती है, देखो दो पद निकाल लेते हैं, दो या तीन निकाल लो, फिर उसके बाद प्रथम पद सर्वांतर निकाल लो, एन बराबर तो दिया हुआ है, फिर योगफल का सूत्र लगाओ और सीधा इसका आंसर निकाल लो। वैसे तो सवाल बहुत ईजी है, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर मिस्टेक होगी तो फिर सवाल आपका गलत भी हो सकता है, तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला पांचवा सवाल, आपको दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका द्वितीय और तृतीय पद 14 और 18 है, यानी दूसरा और तीसरा पद आपको दिया हुआ है, आपको देखो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, द्वितीय पद यानी ए टू बराबर आपको दिया हुआ है 14 और ए थ्री आपको दिया हुआ है 18, ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है 51 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको भी ये बताया है किसी भी आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाला पद घटा देते हैं तो अपने पास बी का मान आता है, तो देखो a2 में से a3 घट, a3 में से a2 घटा दिया, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा d का मान आ जाएगा, ठीक है, तो d बराबर कैसे निकालेंगे a3 माइनस a2 कर देते हैं तो अपने पास क्या आता है d, यानी 18 माइनस 14 बराबर 4, यानी d बराबर कितना आ गया अपने पास 4, ठीक है, d बराबर कितना है 4, ठीक है। अब देखो पहले पद में से d घटा देते हैं, पहले पद में से डी भी घटा देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा एक, दूसरे पद में से डी घटा देते हैं तो पहला पद आ जाएगा, देखो तो इसमें से घटाते हैं 14 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 10, तो ये क्या है आपका पहला पद, दूसरे पद में से डी घटा देते हैं तो पहला पद, देखो एग्जांपल की ले लेते हैं, ये देखो 5 10 15 20 ये एक समांतर श्रेणी चल रही, ठीक है, इसमें देखो इसमें से इसको घटाओ 5 आ रहा है, इसमें से इसको घटाओ 5 आ रहा है, इसमें से इसको जैसे ही देखो दूसरे पद ये a1 है a2 है a3 है a4, तो देखो a2 में से a3 में से a2 घटाया तो भी तो 5 आया, तो ये तो हो गया इसका d का मान। अब देखो इसमें से अगर दूसरे पद में से आप d घटा देते हो, दूसरे पद में से दूसरा पद कितना है 10, 10 में से 5 घटा देते हो तो देखो पहला पद आ गया, अगर दूसरे पद में से यानी a2 में से d घटा देते हैं तो अपने पास a1 का मान आ जाता है, a2 में से d घटा देते तो किसका मान आ जाता है a1 का, तो देखो मैंने यहां क्या किया a1 का मान निकालने के लिए a2 14 था उसमें से d घटा दिया तो ये क्या आ गया 10, यानी पहला पद भी आपके पास आ गया a बराबर कितना है 10 और आपके पास d बराबर भी है तो आप योगफल निकाल सकते हैं sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इससे करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, देखो इसका निकालते हैं तो कैसे आएगा, मान रखते हैं इसका n का मान कितना है 51, देखो n बराबर आपको पहले से दिया हुआ था ये रहा 51, तो रखते हैं 51 का मान निकालना है s 51 51 बटे 2 2 इंटू पहला पद है देखो 10 प्लस 51 माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू d, d बराबर कितना है 4,
डी बराबर जो पहले निकाला था ये ना। चलो अब इसको हल कर लेते हैं, सिंपल सा हल है। दो को दस से गुणा करेंगे 20, 50, 51 में से क्या 50 इंटू 4, 51/2, 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200, ये आ गया 51/2 इंटू 220, 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 110, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5610, यानी 51 पदों का योगफल कितना हो गया 5610। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है पांचवा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, अदरवाइज आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरे पद का जो सूत्र लगाते हैं अपन, दूसरे पद का क्या होता है a प्लस 1d बराबर 14 और a प्लस तीसरे पद का 2d बराबर 18, इससे भी आप तरीके से घटा के और a और d का मान जो अपने 5.2 में किया था उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो उतना करने की जरूरत नहीं, इससे सिंपल से ही निकल जाएगा। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जो है छठा सवाल, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमश 17 और 350 है, यानी पहला पद 17 और लास्ट पद 350 है, यदि सार्वांतर 9 है यानी डी का मान आपको दिया है, तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या तथा पदों का योगफल ज्ञात करना है, एन भी ज्ञात करना है और एस एन भी ज्ञात करना है। तो देखो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, पहले ए बराबर आपको दे रखा है, वो दे रखा है 17, ठीक है, और साथ में आपको एन दे रखा है यानी अंतिम पद है वो 350, और साथ में आपको d बराबर भी दे रखा है, d बराबर कितना है वो दे रखा है 9, ठीक है, आपको n याद करना है और sn पदों की संख्या मतलब होता है n और sn मतलब पदों का योगफल। अपन पहले ये सूत्र लगाते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे अपन निकाल लेते हैं किसका मान, n का मान। तो देखो n की जगह अपने को पता है 350, a की जगह आपको दिया हुआ है 17 प्लस n का मान याद करना है और d की जगह दिया हुआ है 9। सबसे पहले क्या करते हैं आप a को इधर लाएंगे तो माइनस का 17 n माइनस 1 इंटू 9, इसमें से 17 घटाते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, यहां 350 में से 17 घटाया तो देखो आपके पास आ जाएगा 333 और 9 को इधर लाएंगे तो 9 आएगा भाग में n माइनस 1। अब इसके अंदर 9 से ये कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 3 = 27 और 7 × 3 = 63 यानी 37 आ जाएगा। ये कितना आ गया 37, ये अपने पास आ गया 37 बराबर n माइनस 1। तो देखो n बराबर कितना हो जाएगा 37 + 1 यानी n बराबर आ गया आपके पास 38, n बराबर कितना आ गया 38। अब अपने को निकालना है पदों का योगफल, सूत्र लगाते हैं sn का, तो sn के अपने पास दो सूत्र हैं, ठीक है, तो अपन यहां पर दोनों ही लगा सकते हैं, अंतिम पद पता है तो अंतिम पद वाला ही सूत्र लगा देते हैं, n बटे 2 और a प्लस n, n मतलब अंतिम पद वाला, आप वो दूसरा लगा के करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। देखो यहां जाएगा 38/2, a का मान 17 है, ये है 350, तो ये इससे कट रहा है 19 बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा 19 इंटू, इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 367। अब 367 को 19 से गुणा कर ले तो अपने पास आंसर आ जाएगा, तो 367 को गुणा करना है 19 से, ये आ जाएगा 9 × 3 = 27, 27 और 33 एक से गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 × 6 = 3 या 3 × 7 = 9 = 6 6 6973, ये आ जाएगा आपके 38 पदों का योगफल, यानी कुल पद कितने हैं इस समांतर श्रेणी में 38 पद है और 38 पदों का योगफल कितना है 6973। तो ध्यान रखिए आपको क्या करना है, पहले इस सूत्र से आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे एम का मान, ठीक है, सिंपल सा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप क्या करेंगे, एसएन वाला सूत्र लगाओ, दोनों एसएन वैसे कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो इसमें, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो एसएन का मान निकाल सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, इसमें आपको देखो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, इस सवाल को पहले अपन भाग वाला गुणा वाला ऐसा सवाल कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, जो 3 से जिस संख्या में भाग जाता है 1 से लगाकर 1000 तक सिर्फ विषम संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो देखो यहां पर अपन संख्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 1 और इधर लिख लेते हैं 1000, तो आपको पता है 1 में भाग नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में, 3 में पहली संख्या जिसमें भाग जाता है और लास्ट क्या है 999 इसमें भाग जाता है, ठीक है, तो पहली संख्या 3 है और लास्ट क्या है ये है, तो
तो देखो इसके अंदर अपन समांतर श्रेणी एक बार लिख लेते हैं, जैसे तीन का भाग जाता है तीन में, छह में, नौ में, बारह में, पंद्रह में, ऐसे करते करते 999 तक। लेकिन क्या आपको क्या कहा, विषम संख्या लेनी है, यानी सम संख्या नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी। तो समांतर श्रेणी बढ़ेगी, देखो तीन, नौ, पंद्रह, ऐसे करते करते 999 तक। तो आपको यहां पर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो बीच में सम संख्या है वो आपको नहीं लेनी है, सम संख्या आपको नहीं लेनी है। तो यहां पर देखो आप करते हैं, अब सवाल वैसा ही बन गया। देखो प्रथम पद a बराबर है तीन, इसके बाद अपन निकालेंगे सर्व अंतर। अब सर्व अंतर हमेशा तो क्या लेते थे, जिसका भाग या गुणा करते थे वो, लेकिन यहां पर नहीं लेना है। नौ में से तीन घटाएंगे देखो तो कितना आ जाएगा, छह। छह क्यों आया, क्योंकि बीच में सम संख्या छोड़ रहे हैं। देखो यहां से लेके तो तीन इसका और तीन इसका, छह टोटल हो गया, ठीक है। और आपको क्या कहा हुआ है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए पहले n का मान पता होना चाहिए, लेकिन n का मान पता नहीं है। तो पहले अपन सूत्र लगाएंगे an वाला, a प्लस n माइनस 1 इनटू d का, ठीक है। इसके अंदर मान रखते हैं, तो an की जगह अपने को पहले सीधे रखा है, लास्ट पद कौन सा है 999, तो यहां रख देते 999 बराबर a प्लस, देखो a का मान कितना है 3, प्लस एन माइनस वन, एन का मान पता नहीं है, इनटू डी, डी का मान कितना है 6। सबसे पहले तीन को इधर लाएंगे, माइनस तीन इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 996, 6 को इधर लाएंगे तो भाग में एन माइनस एक, ठीक है। ये 6 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 139 बार, सॉरी ये कटेगा देखो 6 3 बचा 36, फिर 3 बचा 6 36, 166 बार, ठीक है। अगर आप यहां से n बराबर निकालें, यानी 166, एक को इधर लाएंगे तो प्लस का n, तो n बराबर कितना आ गया 167, n बराबर कितना आ गया 167। अब आपको पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल वाला सूत्र लगा दो। जब आपको अंतिम पद का ज्ञात होता है तो SL वाला वो सूत्र लगाए करो जिसमें आपको क्या है अंतिम पद वाला n बटे 2 a प्लस l। तो देखो यहां पर ज्ञात करना है 167 पद, तो n कितनी है 167 बटे 2, a की जगह कितना रखना है, a की जगह अपने पहले निकाला हुआ था 3 प्लस l की जगह अंतिम पद 999, तो यहां पर आ जाएगा 167 बटे 2, इनको इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1002, ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 501, 501 को 167 से गुणा करेंगे, 501 को 67 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या है इसका उत्तर। तो आप 501 को 167 से गुणा करके लिख लेते हैं 167 को 501 से, तो देखो एक से गुणा करेंगे तो 167 ही आएगा। फिर देखो जीरो है तो दो बार लगा देते हैं, 35, 3, 35 और 3, 33, आंसर लगी 3, 5 और 3, 8, तो यह आ जाएगा 7, 6, 6, 3, 8, यानी कितना आ गया, इसको गुणा करने पर आपके आ जाएगा 83,667। ये आ गया आपके पास 167 पदों का युगफल। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये समांतर श्रेणी है, बहुत ही ध्यान से बनानी है ये, ठीक है। पहली संख्या तीन, फिर दूसरी जो संख्या आती है विषम संख्या नौ के पड़े में, वो आती है नौ, वैसे तीन के पड़े में छह भी आता है, लेकिन छह क्या है सम है, और आपको सवाल में कहा है विषम संख्या ही लेनी है। तो फिर आ गया नौ, और नौ के बाद आता है पंद्रह, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी बन गई, इससे पहले एन का मान निकालेंगे और फिर एस एन का मान निकाल लेंगे। तो ये भी सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो इसके बाद सवाल दिया हुआ है आठवां सवाल, वो दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद आठ है, यानी पहला पद क्या है आठ है, एनवा पद 33 है, इसके पहले एन पदों का योगफल 123 है, तो एन तथा डी का मान आपको ज्ञात करना है। देखो आपको दिया हुआ क्या है, ए बराबर आपको दिया हुआ है 8 है, और साथ में एनवा पद यानी एन बराबर आपको दिया हुआ है 33 है, ठीक है। और ऐसे एन भी दिया हुआ है आपको 123 है, आपको ज्ञात करना है एन बराबर कितना होगा और डी बराबर आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसमें लगाते हैं SN का सूत्र, SN बराबर क्या होता है n बटे 2 a प्लस l वाला सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि अंतिम पद पता है। SN की जगह पर कितना रखेंगे 123, n की जगह n रहने दो, इसकी जगह दो, a का मान पहला पद 8 है प्लस अंतिम पद कितना है 33, ठीक
ठीक है, दो को इधर लाओ तो 123 इंटू दो, ये बचेगा n इंटू 33 में 8 जोड़, 8 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब 41 को इधर लाएंगे तो 103 इंटू 2 बटे 41 बराबर, ये 41 इससे कट रहा है कितनी बार, तीन बार, तीन को दो से गुणा करेंगे तो n बराबर कितना आ गया आपके पास, n का मान तो आपके पास आ गया, ठीक है। अब n का मान आ गया तो d का मान आप निकाल सकते हैं, d के मान निकालने के लिए क्या है, an वाला सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो an का मान कितना है 33, a का मान कितना है 8, n का मान अभी अभी निकाला है 6 माइनस 1 इंटू d की जगह d, तो 33 8 को इधर लाएंगे तो माइनस का बराबर 5 इंटू d, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 33 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 33 में से 8 जाएंगे तो 25 और 5 इधर आएगा तो भाग में d, तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये इससे कटेगा 5 और ये 5 बार, तो d बराबर कितना आ गया 5। तो देखो n का मान कितना आ गया 6 और d का मान कितना आ गया 5। तो सिंपल सा सवाल है, देखो पहले आप एसएन का सूत्र लगाएंगे ये वाला, ठीक है, क्योंकि अंतिम पद पता है तो अंतिम पद वाला ही सूत्र लगाना है, d पता नहीं है तो वो d वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, तो पहले एसएन का ये सूत्र लगाएंगे, इससे अपने पास क्या है n का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर आप an वाला सूत्र लगाएंगे और जिससे अपने पास कितना किसका मान आ जाएगा d का, तो n और d का मान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसमें पूरा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, 280 रुपए की राशि चार पुरस्कार देने के लिए रखी है, यानी कुल राशि 280 रुपए है और चार जनों को देनी है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम पाता है, यानी जितने पहले को मिला है दूसरा उससे 20 रुपए कम लेगा, तीसरा उससे 20 रुपए कम, तो इस तरह से, तो आपको यह बताना है प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है। तो देखो अपने सवाल को जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, आपको यह दिया है कुल राशि मतलब है एसएन कितना दिया हुआ है 280 रुपए, आपको दिया हुआ है पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या यानी एन बराबर कितना है 4, आपको दिया हुआ है यदि क्या है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम पाता है, यानी पहले को जितना मिला दूसरे को उससे 20 कम, तीसरे को उससे 20 कम, यानी 20-20 कम होता जा रहा है, यानी डी का मान है वो कितना आ गया कम, होने का मतलब होता है माइनस का 20। आप देखो लगातार किसी में से घटा रहे, जैसे मान लो पहला हो गया 150, दूसरे में क्या हो गया 130, ठीक है, फिर 110, देखो 20 रुपए इसमें कम हो गया, 20 इसमें कम हो गया, 20 आगे कम होता जाएगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, ये मान लो एक समांतर श्रेणी है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 130 में से 150 घटाएंगे तो आपके पास उत्तर आएगा माइनस का 20, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या है माइनस का 20 है। अब देखो अपने पास तीनों चीजें, अपने को क्या निकालना है पुरस्कारों की संख्या, तो अपन क्या करते हैं एसएन का सूत्र लगाते हैं, एसएन बराबर एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का सूत्र लगा देते हैं। एसएन की जगह अपने को पता है कुल राशि 280 रुपए है, ठीक है, एन की जगह कितने पद है चार पद है, ठीक है, दो इंटू एक का मान अपने को पता नहीं है, एन की जगह कितना है चार माइनस एक और डी की जगह कितना है माइनस का 20, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दो को इससे कट जाएगा तो दो बचेगा, ये दो इधर लाइए तो भाग में आएगा 280 बटे दो, ये देखो दो ए प्लस तीन इंटू माइनस का 20, ध्यान देंगे इधर देखो ये चार में से एक गया तो तीन और ये माइनस का 20, ऐसे कैसे दो है ऐसे कैसे पड़ा है, ये इससे कट रहा है पूरा पूरा 140 बार, ठीक है। तो इधर देखो ये 140 हो गया इधर बराबर, देखो दो ए पड़ा है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ गया 60, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60, अब इस 60 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 140 प्लस 60 बराबर 2, क्योंकि इधर माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस का, ये हो गया 200 बराबर 1, और इस 2 को इधर लाएंगे तो किस में आएगा भाग में, ये देखो 2 ए था 2 इधर इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये इससे कट होगा 2 ए कम 2 ये इससे कट होगा 100 बार, तो ए बराबर कितना आ गया 100, और ए अपना क्या होता है प्रथम पद, तो यहां पर लिखेंगे प्रथम पुरस्कार या प्रथम पद लिख सकते हैं या प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार यानी ए वन बराबर क्या है 100, द्वितीय पुरस्कार
यानी ए टू बराबर क्या है, 100 में से 20 रुपए कम पाता है तो कितना पाएगा, 80 रुपए। फिर क्या है तृतीय पुरस्कार, इससे भी 20 रुपए कम, तो 80 में से क्या करेंगे 20, तो कितना जाएगा 60। फिर उसके बाद चौथा पुरस्कार, यानी ए फोर, 60 में से क्या करेंगे 20 रुपए कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 20 बराबर 40 रुपए। अगला पुरस्कार पांचवा क्या होगा, 40 में से 20 कम कर देंगे, बिल्कुल नहीं, चार ही पुरस्कार दे रहे हैं, 200 रुपए पूरे हो गए, 280 पूरे हो गए, देखो जोड़ के देख लो 280 हो रहा है नहीं हो रहा, देखो ये 100 हो गया 80 हो गया, 100 80 180 180 में 60 जोड़ेंगे 240 और 240 में 40 जोड़ेंगे तो 280। आप पांचवा पुरस्कार गलती से भी मत निकाल देना, क्योंकि सवाल में पहले ही पाया पुरस्कार ही कितने हैं, चार। ठीक है, तो अपनी जेब से राशि नहीं देनी है, जो इसने दी है उतनी ही देनी है। तो ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आपको इसको अच्छी तरह समझना है, लिखना है और फिर अच्छी तरह करना भी है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जो है दसवां सवाल और अंतिम सवाल। देखो क्या दिया हुआ है, एक टेलीविजन सेट निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा सातवें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यानी 3 वर्षों में 600 टीवी बना देता है और 7 वर्षों में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, यह मानना है कि हर साल निश्चित संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, यानी ए का मान, दसवें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, यानी दसवें पद का मान, और 7 वर्षों का कुल उत्पादन, यानी 7 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो सवाल को जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, तो आपको दिया हुआ है A3, यानी तीसरे पद का मान है 600 और सातवें पद का मान है वो है 700। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, तो इसी पद का यूज करते हुए आपको पता है सूत्र बनाते हैं, A+2D बराबर तीसरे पद के लिए क्या आ जाएगा 600, ये हो गया समीकरण A, और सातवें के लिए क्या हो जाएगा A+6D बराबर 700, ये आ गया अपने समीकरण 2। ऐसा समीकरण बनने के बाद अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर देखो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर है A+6D बराबर 700 और ये आ जाएगा A+2D बराबर 600, घटाएंगे तो देखो ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ए से तो एक कट हो जाएगा, ये बचेगा 6D में से जाएगा तो 4D बराबर ये बचेगा 100, 4D बराबर 100। उसके बाद देखो अपन D बराबर निकालना है, तो इधर बचा हुआ है 100, 4 इधर जाएगा तो भाग में तो कितना आएगा 25, यानी D बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, अब D बराबर अपने पास 25 समीकरण 1 के अंदर रख लो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो D की जगह 25 रखेंगे, तो देखो A+2 इंटू D की जगह कितना रखना है 25 बराबर है 600, तो A बराबर कितना आ जाएगा देखो 600, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो A बराबर कितना आ गया 500, 6 इसमें जाएगा तो 50, इसमें से घटेगा तो 550, यानी आपको गाय प्रथम वर्ष का उत्पादन या प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना है 550। ठीक है, ये अपना ज्ञात हुआ है पहला। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इतना सवाल ए और डी का मान निकाला हुआ है, उसके बाद अपन करते हैं दूसरा सवाल, यानी यहां से दूसरे सवाल में आपसे क्या पूछा हुआ है, दूसरे सवाल में आपसे पूछा है दसवें वर्ष में उत्पादन, यानी ए 10, दसवां पद आपको ज्ञात करना है, तो ए प्लस क्या होता है 9D, दसवें पद का मान क्या होता है ए प्लस 9D, तो देखो मान रखते हैं ए का मान कितना है 550 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान अभी निकाला था 25, ये ना, तो ये आ गया 550 प्लस 25, 25 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 225, 9 में होता है 225, इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा देखो ये आ जाएगा 5, ये 7 और ये 7, 775 कितना आ गया देखो दसवें वर्ष का उत्पादन कितना है 775। देखो आपको पहले वर्ष का कहा था तो 10 वर्षों का उत्पादन कितना आ जाएगा 10 वर्षों का उत्पादन बराबर 775, 775 है 50 नहीं है 775। अब आपको क्या करना है S 7 के लिए कुल पदों का योग, यानी S 7 निकालना है, तो S 7 के लिए अपन मान निकालते हैं, देखो उसके लिए अपन इधर लिख लेते हैं, यहां पे देखो इसके बाद यहां पर कर रहे तीसरा, ये था दूसरा, इसका तीसरा देखो
एस एन बराबर एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का सूत्र लगाते हैं, यानी सात बटे दो, क्योंकि आपको सात निकालना है, सात पदों का योग निकालना है तो एन बराबर सात रखना है, ठीक है। दो इंटू ए का मान अपने पहले से निकाल लेता था 550, एन का मतलब सात माइनस एक और डी का मतलब 25, ठीक है। तो यह हो जाएगा सात बटे दो, दो को इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, देखो 550 को दो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100, प्लस सात में से एक आ जाएगा तो छह, छह को 25 से गुणा करेंगे 25 छके कितना होता है 150, 25 छके 150, तो इसको निकालेंगे सात बटे दो ये आ जाएगा 110 में इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1250, 1250 इससे कटेगा पूरा 625, 625 को सात से गुणा करेंगे, आपको क्या गुणा करना है 625 को गुणा करना है सात से, तो सात को दे 35, सात से लगी 3, 14 और 3 17, 642 और 143, यानी 4375। 10 वर्षों का आपसे पूछे, 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना है 4375। देखो आपको क्या करना है, पहले ए और डी का मान निकालना है, ए का है वो पहले का उत्तर हो गया, जो पहला पता है वो आपको पूछा था प्रथम वर्ष का उत्पादन, फिर दसवें वर्ष के निकालने के लिए ए 10 का मान निकाल लेंगे और सातवें के लिए तो एन बराबर सात रख के एस एन का सूत्र निकालेंगे तो आपके पास कुल उत्पादन आ जाएगा 7 वर्षों का। तो ये थी आपकी 5.3 पूरी एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ गई तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आप अच्छी तरह कि आपको समझ में आई या नहीं आई। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।